मैं डॉक्टर नीरजा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज आपको मैं बीए पार्ट सेकंड का श्रेणी और उसके प्रकार संबंधी आवश्यक बातों के विषय में जानकारी दूंगी। श्रेणी के प्रकार दो होते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी। व्यक्तिगत या इंडिविजुअल सीरीज या श्रेणी, जिसमें प्रत्येक इकाई का मूल्य अलग अलग दिया गया होता है। उदाहरण, जैसे छात्र संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उनके प्राप्तांक हैं क्रमशः 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19। इसे हम व्यक्तिगत श्रेणी कहेंगे, जो कि हर सीरीज के सामने लिखे होंगे। दूसरी है खंडित श्रेणी, जिसमें आवृत्तियाँ समूह में होती हैं तथा मूल्यों के वितरण में निरंतरता नहीं पाई जाती है। उदाहरण, जैसे प्राप्तांक है 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18 और छात्र संख्या सामने दी हुई है वो है 2, 5, 7, 8, 6, 4, 2। अखंडित, अविकसित या सतत श्रेणी, जिसमें आवृत्तियां समूह में होती हैं तथा मूल्यों के वितरण में निरंतरता पाई जाती है। यह श्रेणी दो प्रकार की होती है, समावेशी सतत श्रेणी और अपवर्ती सतत श्रेणी। समावेशी सतत श्रेणी या इंक्लूडिंग कंटिन्यूअस सीरीज, जिसमें मूल्य के प्रत्येक वर्ग की अधिकतम सीमा में एक का अंतर होता है। जैसे हम वर्ग का निर्माण करते हैं 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59। इन सभी जो वर्गों का निर्माण किया है, इनके सामने की तरफ आवृत्तियाँ लिखी होती हैं। जैसे इसके इनके सामने क्रमशः 2, 5, 7, 6, 4, 1 की आवृत्तियाँ लिखी हुई है। इस श्रेणी के प्रत्येक वर्ग की अधिकतम सीमा उसी वर्ग में सम्मिलित होती है एवं एक का अंतर होने के कारण उस श्रेणी को अच्छा नहीं माना जाता है। तो प्रश्न हल करने से पूर्व इस श्रेणी को हमें अपवर्जी सतत श्रेणी में परिवर्तित करना पड़ता है। दूसरी है अपवर्जी सतत श्रेणी, जिसमें प्रत्येक वर्ग की अधिकतम सीमा और ठीक उसके बाद वाले वर्ग की न्यूनतम सीमा दोनों समान होती है। जैसे उदाहरण देखें अगर हम, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। आवृत्ति इनकी क्रमशः इनके सामने लिखी हुई है 2, 5, 7, 6, 4, 1। इस श्रेणी में प्रत्येक वर्ग की अधिकतम सीमा उसी वर्ग में सम्मिलित न होकर उसके ठीक बाद वाले वर्ग में सम्मिलित होती है। मूल्यों के वितरण के लिए इस श्रेणी को अंतिम माना जाता है या अच्छा भी माना जाता है, उत्तम माना जाता है।